राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मुख्यमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में चल रहे राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने समापन किया। वहीं इस विशेष युवा शिविर में स्कूली छात्रों को अनुशासन व स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के साथ ही नशे से दूर रहने की भी शिक्षा दी गई। स्कूली छात्रों को सामाजिक जीवन में अनुशासन के साथ जीने के साथ भी स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरने और नशे से दूर रहने की शिक्षा देने के मकसद से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मुख्यमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय बिलासपुर में राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 3 जिलों में 450 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। वहीं इस 5 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं समापन अवसर पर जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, तो साथ ही एनएसएस के राज्य समन्वयक दिलीप ठाकुर ने राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित शिविर की रिपोर्ट पढ़कर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्कूली छात्रों को समाज में जीने का सलीका सिखाया गया, ताकि छात्र देश के विकास में अहम किरदार निभा सकें। यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना जो बच्चों में सेवा का संस्कार भरती है और साथ में इतना कॉन्फिडेंस देती है कि वो अपना कार्य किस करे, किस तरह से करे, और एक विद्यार्थी अपने आप स्वयं में इंडिपेंडेंट हो जाता, स्वायत्त हो जाता अपने काम को करने के लिए, डिपेंडेंसी को छोड़ देता है और उसी को क्रिएटिविटी बरकरार रहती है, तो वो एक सार्थक सिटीजन, संस्कारित सिटीजन बन सकता है। सेवा योजना के माध्यम से जो संस्कार दे रहे हैं बहुत अच्छा। इसमें मुझे ये भी मालूम हुआ कि जितने भी विद्यार्थी, 450 के करीब विद्यार्थी हैं, छात्राएं भी हैं, छात्र हैं, जिनमें से 27 ऐसे छात्राएं और छात्र जो आरडी परेड के लिए इनकी तैयारी की है, वो फर्दर इनका और प्रशिक्षण होगा। ऐसे कुल मिलाकर 100 जो कि आरडी परेड में हिस्सा लेंगे अभी 2020 की, ऐसे बच्चे जाएंगे। तो ऐसे बच्चे जब जाएंगे तो वो कितने अपने आप में कॉन्फिडेंस से भरे पड़े होंगे, लबालब होंगे और अपने आप में उनमें जज्बा होगा देश सेवा का। ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण एनएसएस के माध्यम से जो हो रहा है, मैं इसके लिए मैं सभी आयोजकों का और सभी प्रशासकों का और इन विद्यार्थियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और सभी शिक्षकों का जिन्होंने इसमें सहयोग किया। ये कई बार ऐसे कुछ बातें सामने आती हैं कि स्कूलों में भी इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। ये वर्तमान की जो स्थिति है वो किस कारण बनी हुई है? हमारी शिक्षा व्यवस्था ही उतनी प्रासंगिक नहीं है, उतनी संस्कारित नहीं है, और साथ में ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षक वर्ग को स्वयं अपना जो गुरुत्वाकर्षण उसके बीच में है, ऐसा शिक्षक बनना पड़ेगा। अभिभावकों को भी, सरकार को भी, समाज को भी और विद्यार्थियों को भी उतना सबल होना पड़ेगा, और विशेषकर जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनको भी हमें सक्षम बनाना पड़ेगा। लेकिन उनको सक्षम बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि हम समाज में टकराव उत्पन्न कर दें, दो जेंडर के रूप में टकराव उत्पन्न कर दें, यानी उनकी सुरक्षा हम कैसे ठीक प्रकार संस्कारित भाव से कर सकते हैं, ऐसी स्थिति का निर्माण करना। सीसीटीवी कैमरे या स्पेशली कुछ रणनीति बनाई जा रही है? हाँ, ये सब होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत ही सारी परीक्षा ली जाएंगी, पाठ्यक्रम में भी सुधार होने की बातें जो है वो आएंगी और साथ में अन्य प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाएंगे, ये सब शिक्षा बोर्ड का है। सर, जैसे स्कूलों में छेड़छाड़ वाले मामले, तो उसके लिए भी सीसीटीवी कैमरे का सहारा लिया जाएगा सर? हाँ, तभी बहुत महत्वपूर्ण है, ये केवल परीक्षाओं के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे छेड़छाड़ के मामले, अन्य घटनाएं जो हो जाती हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं, इसके लिए भी सीसीटीवी कैमरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इसमें सहयोग कर। गौरतलब है कि शिविर में से चयनित छात्र छात्राओं को 26 जनवरी इंडिया गेट नई दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड में आरडी परेड का हिस्से बनने का भी मौका मिलेगा।